नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टी सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को द्विध्रुव त्रिय प्रश्न और मूल्य परक प्रश्न बताए थे। आज मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, ये मूल्य परक प्रश्न का ही ख नंबर है। नीचे लिखे शब्दों की मदद से खाली स्थान भरिए। नीचे लिखे शब्दों की मदद से खाली स्थान भरिए। यहाँ देखिए, नीचे लिखे शब्दों की मदद से खाली स्थान भरिए। शब्द है प्रभु, मंजिल, वास्तविक, वृत्तापूर्ण, इंतजार। इन्हीं शब्दों से खाली स्थानों को भरना है हमें। तो पहला प्रश्न है, अदिति पके हुए फल का कर रही थी, क्या भरा जाएगा? इंतजार। ये हो जाएगा, यहाँ भर देते हैं इंतजार। अदिति पके हुए फल का इंतजार कर रही थी। चलिए आगे, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है वाक्य, बादाम का पेड़ हरा भरा सुंदर और दूसरी तक ऊंचा था। बादाम का पेड़ हरा भरा सुंदर और दूसरी तक ऊंचा था, क्या यहाँ भरा जाएगा? मंजिल, दूसरी मंजिल। मंजिल भरा जाएगा, मंजिल तक ऊंचा था। तीसरा नंबर है, अदिति ने देखने का साहस बटोरा तो वहां एक पत्ता था, क्या? वास्तविक, वास्तविक पत्ता था। वास्तविक पत्ता था। चौथा है, अदिति ने छोटे से हरे पत्ते के लिए को धन्यवाद दिया, धन्यवाद दिया है, धन्यवाद दिया। प्रभु, यहां भरा जाएगा प्रभु, प्रभु को धन्यवाद दिया। जब उस पेड़ में हरा पत्ता दिखाई दिया तो उसने भगवान को धन्यवाद दिया। पांचवा नंबर में अदिति ने अपने सारे बुरे कामों के लिए ईश्वर से माफी मांगी, क्या यहाँ क्या भरा जाएगा? तो मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण, बुरे कामों के लिए ईश्वर से माफी मांगी। तो ये आपका ख नंबर मूल्य पर प्रश्न के ख नंबर खाली स्थान भरा गया। अगला अब देखिए, भाषा एवं व्याकरण, भाषा एवं व्याकरण। लंबा आदमी शब्दों में, लंबा आदमी शब्दों में माने इन शब्दों में, लंबा ये लंबा शब्द विशेषण है तथा आदमी विशेष माने लंबा आदमी जो है, इधर देखिए, लंबा आदमी यही दो शब्द है। तो लंबा आदमी में कह रहा है कि लंबा आदमी में जो लंबा है ये क्या है? विशेषण, क्या है? विशेषण। और आदमी क्या हो गया? विशेष। लंबा हो गया विशेषण और आदमी हो गया विशेष। इसी तरह मान लीजिए सुंदर फूल, इसमें सुंदर जो क्या हो गया? विशेषण। अब फूल क्या हो गया? विशेष। बच्चों, आप लोगों को मैंने विशेषण
की परिभाषा बता दी थी, आज ही पुनः मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, यानी कि जो शब्द विशेषता बताने का काम करता है उसे विशेषण कहते हैं। देखिए, आदमी आदमी की विशेषता बता रहा है, ये आदमी की विशेषता क्या है, तो ये आदमी क्या है, लंबा, तो ये विशेषण हो गया। अब देखिए, सुंदर फूल, सुंदर फूल, तो फूल की विशेषता क्या है कि ये फूल क्या है, सुंदर है, माने फूल की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, सुंदर, तो इसीलिए सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। यहाँ लंबा क्या हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन अब रही बात जिसकी विशेषता बताई जाती है, किसकी विशेषता बताई गई है, तो आदमी की और फूल की, आदमी की विशेषता बताई गई है और फूल की विशेषता बताई गई है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य है। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो विशेषता किसकी बताई जाती है, संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। तो जो भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषण द्वारा विशेषता बताई जाती है वह विशेष शब्द होता है। जैसे आदमी क्या हो गया, विशेष हो गया, लंबा विशेषण हो गया, आदमी विशेष हो गया। इसी तरह फूल क्या हो गया, विशेष हो गया, और सुंदर विशेषण हो गया। तो आप ये जान लीजिए। अब इसके बाद कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको विधान करना है, विशेषण और विशेष्य के। जैसे लाल गमला, गमला कैसा है, लाल है, तो लाल हो गया विशेषण और गमला हो गया विशेष। लाल गमला। चलिए, तेज आवाज, तेज आवाज, तेज शब्द विशेषण हो गया, आवाज शब्द विशेष हो गया। चलिए आगे, हरे पत्ते, हरे पत्ते, पत्ते हो गया विशेष, इसकी विशेषता बता रहा है कि पत्ता कैसा है, तो हरा है, तो हरा हो गया विशेषण। विदेशी दाढ़ी, विदेशी गाड़ी, गाड़ी की विशेषता क्या है, तो विदेशी है, इसीलिए विदेशी शब्द विशेषण हो गया और गाड़ी विशेष। झिलमिलाती, झिलमिलाती रोशनी, रोशनी विशेष हो गया और झिलमिलाती विशेषण। इसी तरह रंग बिरंगे, रंग बिरंगे, रंग बिरंगे फूल, यहां पर फूल हो गया क्या, विशेष, इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसी की विशेषता बताई जा रही है विशेषण के द्वारा, इसीलिए विशेष हो गया, रंग बिरंगे क्या हो गया, विशेषण। तो बच्चों, हमें उम्मीद है आप लोगों को विशेषण और विशेष्य के बारे में ज्ञान हुआ होगा, समझदारी हो गई होगी, आप जान गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।